भोजन करें भगवान का भोग लगा के। एक युवा बच्चा मुझे पूछ रहा था आज कि महाराज जी, हम लहसुन प्याज खा लेते हैं और भगवान को भोग लगाने का हमारी आदत है, तो फिर तो बकरा खाने वाला भी वो भी कहेगा हमें तो आदत है, तो फिर भगवान को भोग लगा करते थे। मैंने कहा यदि तुम भगवान को मानते हो तो तुम्हें तो ईश्वर से भी ज़्यादा लहसुन प्याज प्रिय है। तो भगवान को मानेगा वो तो लहसुन प्याज को पास तक नहीं आने देगा। चीज़ें ऐसे ही भोजन में लीजिएगा जिसका भोग भगवान को लगता हो। तुम ही निवेदित भोजन तुम्ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करे, जो तुम्हें निवेदन करके भोजन करता है भगवान, उनके हृदय में आपका बसेरा हो जाए, उनके हृदय में आप बस जाएं। तो एक बार इस कथा को आप सुन लीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। तो इसमें लिखा है, वर्णन किया गया है, भुक्ति तो शिव नैवेद्य पुण्य नायंत कोट से, करोड़ों गुना उस पूजा का फल बढ़ जाता है जब शिव के ऊपर जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं आरती के बाद जब प्रसाद ले लेते हैं। इसलिए प्रसाद लेने से बिल्कुल भी चूके मत। आप भले ही बहुत पैसे वाले हैं और आप यहाँ से कथा में आरती छोड़ के जाते हैं तो कथा का कुछ नहीं मिलता। आप यहाँ से प्रसाद छोड़ के जाते हैं तो क्या मिलेगा उसका? कथा में आरती प्रसाद ये सब चीज़ें बड़ी महिमा युक्त हैं। इन सब की महिमाएं अलम याग सहस्राणम यागावृदई पिबि भक्षते शिव नैवेद्य शिव सायुज्य मापनीयात। वर्णन किया है कि शिव प्रसाद लेने से हजारों हजारों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है भगवान का प्रसाद लेने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपी प्रजायते तदग्रम पावनम सर्व मन पावक कारणम। जिस घरों में नित्य भगवान को भोग लगाया जाता है उस घर में अग्नि का प्रकोप नहीं होता, उस घर में कभी आग नहीं लगती। इसलिए यदि अग्नि लग भी जाएगी तो नुकसान नहीं होगा, देवता अपने ऊपर ले लेंगे। आपने कभी देखा है मंदिर में आग लग जाती है भगवान के कपड़े जल जाते हैं? तो यह ईश्वर उस प्रकोप को अपने ऊपर ले लेता है। घर में ऐसी दिक्कतें परेशानियां नहीं आती, ईश्वर उसे अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए आप वैष्णव हरिजन हैं, हरि वैष्णव जन हैं आप, तो आपकी रसोई में रोज भोग भगवान का लगे। लहसुन प्याज खाने की भी आदत है तो इसको रात को खाओ, दोपहर का भोजन अति पवित्र होना चाहिए। अकोड़ा पकोड़ा सकोड़ा जो भी आप सटकाते हैं वो रात्रि को, दोपहर की जो रसोई है वो वही घर में बने जिसका भोग भगवान को लगता हो। लहसुन प्याज वाले बर्तन अलग कर लो। घर में एक दो लहसुन प्याज वालों की वजह से ईश्वर का भोग नहीं लग पाता तो उसका पतीला अलग कर लो, उसकी कढ़ाई अलग कर लो, उसको छौंकला अलग लगा दो है भगवान के लिए रसोई। हमने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि जिन घरों में भगवान का भोग नहीं लगता वह रसोई भोजन बनाने की अधिकारिणी ही नहीं है। भोग किस लिए, भोजन किस लिए बनाया जाता है? घर में वृद्ध लोग हैं उनके लिए, आने वाले अतिथि के लिए, भगवान का भोग लगाने के लिए। उसके बाद में हम लोग तो प्रसाद लेते हैं, रसोई उन्हीं के निमित्त बनती है। यदि इनके लिए आप नहीं बनाते हैं तो चूल्हा सुलगाने के लायक नहीं है। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिन घरों में देवताओं को भोग लगाया जाता है उस घर में अग्नि का प्रकोप नहीं होता। इस समय यह कथा आप वेदेश्वरी संहिता का 22 नंबर का अध्याय आप सुन रहे हैं जो बहुत बड़ा अद्भुत है। शिव दीक्षा बता भक्ति नेदम भक्ष मिथिरियते
शंकर जी की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबके लिए नहीं है। किसके लिए? शिव दीक्षा बता भक्ति नेदम भक्ष मित्रियते, जिन्होंने शिव दीक्षा ली है, शंकर जी का मंत्र जिन्हें मंत्र में मिला है, ऐसे लोग भगवान की पिंडी पर, कौन सी भी पिंडी पर कहीं भी प्रसाद चढ़ा है, उसे उन्हें लेने का अधिकार है। अगली बात जो बात कही गई है वो ये है, मंत्र दीक्षा में शिव मंत्र नहीं है, लेकिन वो शंकर जी को मानते बहुत है, बहुत मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया, साल ग्रामोद भवे लिंगे रस लिंगे च ध्वजा, ऐसे लोगों को महादेव के अभिषेक के साथ सालराम भगवान को जरूर रखना चाहिए, दोनों को मिलकर के अभिषेक। हम करते हैं ना हरिहर का अभिषेक करते हैं, तो सालराम भगवान का भी करते हैं संग ही, महादेव का भी संग ही करते हैं, एक ही साथ करते हैं। तो इसमें वर्णन किया गया है कि जब आपने भगवान शिव के साथ सालराम भगवान को स्पर्श करा दिया है, तो महादेव के ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद चरणोदक, उसको लेने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। जिनके घर में सालराम नहीं है तो विष्णु भगवान को बगल में बिठा के नहला लो, गोपाल जी को बगल में बिठा के नहला लो, फिर उसमें कहीं किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। और भी कुछ बातें बताई गई हैं जिनके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। इस शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसके ऊपर चंडा है, एक देवी का नाम है चंडा, उसका अधिकार है। महादेव ने ये ऊपर चढ़ा हुआ ये उसको दे दिया है। महादेव की ऊपर पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ नोट यदि किसी ने, पुजारी भी नहीं ले सकता, उसको घोर गरीबी आ जाएगी। तो पिंडी के ऊपर जो चढ़ा हुआ पैसा है वो चढ़ करके नीचे गिर जाए, लेकिन ऊपर से उठा करके तो अपने थैले में पुजारी भी रख के नहीं पचा पाएगा उसको, क्योंकि भगवान भोलेनाथ यह सामग्री पूरा चंडा को समर्पित कर चुके हैं। चंडा दे, ये तो पुराण में ही कथा है पूरी। कुछ ऐसी पिंडियां हैं जिसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। काश्मीरे स्फटिके, कश्मीर में स्फटिक प्रकट होता है, तो स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर चंडा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ज्योतिर्लिंगेशु सर्वसा, धरती पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके ऊपर चंडा का कोई भी अधिकार नहीं है। तो काश्मीरे स्फटिके, कश्मीर में जो स्फटिक पैदा होता है उसके ऊपर, रजते चांदी के शिवलिंग पर, स्वर्णे सोने के शिवलिंग पर, स्वर सिद्धि प्रतिष्ठते देवताओं ने जिनकी स्थापना करी है ऐसे शिवलिंग के ऊपर, और वर्णन फिर और भी कहा गया, जो स्वयंभू है, जो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है, या जिस शिवलिंग को 100 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है, ऐसे महादेव की पिंडी के ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। ताली कम बजी अभी। लिखा चंडा अधिकारो यत्रासी तदो भक्तम न मानवे, चंडा अधिकारो नो यत्रा भक्तस्य तच भक्तितः, चंडा का अधिकार एक शिवलिंग पर और भी नहीं है। क्या क्या है? बाण लिंगे च लोहे च सिद्ध लिंगे स्वयंभू प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। बाण लिंग, बाण लिंग कौन सा है? जिसको हम और आप नर्मदेश्वर के नाम से जानते हैं, भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है। इसलिए नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर नीचे अगल बगल में जो भी कहीं चढ़ा हुआ प्रसाद है उसके आप ग्राहिए। इसलिए तो मैं इतना जोर देता हूँ, आप सबके घर में है नर्मदेश्वर भगवान हो, तो ऐसे नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, इसमें लिखा हुआ न चंडो अधिकृतो भवेत, उसके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। इसलिए तो है आप ले सकते हैं।